सामने देखो बहुत तेजी से एकदम हवा चल रही है, एकदम जोरदार हवा चल रही है। ऐसा लग रहा था बीच में कि वो पेड़ गिरने वाला। तो भाई अभी घर पे जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे, छाता ही नहीं है भाई, और शाम होने आई है भाई। मेरे को लग रहा है यहीं पे सोना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं जुगाड़ करता हूँ, कुछ पत्तियाँ वत्तियाँ निकालता हूँ भाई, अभी सोना पड़ेगा इधर ही। ये भागने का सोच रहा है। देखो दोस्तों, टाटा सी यू, और अगले ब्लॉग में मिलेंगे भाई। अभी जाना पड़ेगा, ये तो भाग चला करके। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसा आप सब, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बैठे हैं यहाँ पे मस्त पेड़ के नीचे, और बारिश होने वाली तगड़ी। आपको दिखाता हूँ, देखो हमारे रितेश भाई भी बैठे हैं यहाँ पे, और ओटीटी वाला देख रहे हैं इस भाई, बिग बॉस के फैन है, और फुकरा इंसान को भी सपोर्ट करना दोस्तों, ऐसा मेरा कहना है। अभी तो अलेश यादव भाई जी आ चुके अंदर, दोनों को सपोर्ट करना भाई, चारा ऑन द टॉप। ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत। देखते हैं अभी हमारे यूट्यूबर भाई जीत के ही बार आना चाहिए, तो उतना दोनों में से करना। कोई भी जीतेगा चलेगा। तो देखो दोस्तों, अभी मौसम यहाँ पे जबरदस्त हो रहा है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, एकदम हवा एकदम तेज चल रही है। देखो अब ये बारिश आएगा ऐसा ही लग रहा है, आ रही है हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो थोड़ा टाइम के लिए बैठते हैं, देखते हैं, हवा अच्छी चल रही है और मौसम अच्छा है तो मजा आ रहा है, और देखते हैं थोड़ा टाइम बैठते हैं, फिर चले जाएंगे घर पे। चले क्या जाएंगे, भागना ही पड़ेगा घर पे, क्योंकि नहीं पड़ेगा छाता। देखो ये बारिश हो चुकी है शुरू, देखो आपको मतलब इसमें कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हल्की हल्की बारिश और हवा तो बहुत तेजी से चल रही है। देखो एकदम जोर से हिल रहा है, और मौसम तो मतलब बहुत प्यारा और एकदम बारिश जैसा। तो फिर बहुत मजा आ रहा है भाई, लेकिन क्या करें, छाता नहीं है हमारे पास, मैं गरीब हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम बैठते हैं, मजा लेते हैं, फिर चले जाएंगे। ये पता नहीं ब्लॉग कितना लंबा बनेगा, अब पता नहीं है कितना लंबा बन सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी हम ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट रहे आप, और मजा करें इस ब्लॉग में, और ऐसे ही वीडियो और भी बनाते रहेंगे। और हवा बहुत तेज हुई है, बारिश भी आ चुकी है, देखो पेड़ के पीछे देखो हवा। मैं तो मतलब सेफ उस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ऊपर से बस कोई लकड़ी ना गिरे। देखो कितना अच्छा प्यारा मौसम हो चुका है, बादल भी गिर चुके हैं, और बहुत एकदम तेजी से हवा चल रही है, एकदम तेजी से, और बादल तो एकदम पूरे गिरे हुए हैं। और ये हमारे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर, तो बोलो हर हर महादेव। देखो दोस्तों, मैं भी यहाँ पे पेड़ के नीचे खड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, और बार बार यहाँ पेड़ से सिर पे बूंद गिर रही है। तो थोड़े टाइम के लिए खड़े हैं, तो पेड़ के नीचे अभी तक खड़े हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अपने मतलब यूट्यूब पे कितने व्यूज आ रहे हैं कुछ सब। रोज रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि तो बढ़ते रहे, मजा आए देखने में, सपोर्ट करते रहना दोस्तों आप लोग, क्योंकि एक दिन हम भी ऑडियंस कमाएंगे, मेहनत करेंगे और बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। जाएंगे बिग बॉस में जाएंगे, और वोट करना दोस्तों मुझे, मैं भी फुकरा इंसान की तरह जीत के आऊंगा, आपका सपोर्ट रहा तो। तो ये पहले से ही मतलब फुकरा इंसान की जीत में रहे हम लोग, क्योंकि ये लग रहा है कि फुकरा इंसान ही जीतेंगे। तो भाई आपको फुल सपोर्ट है हमारा, जीत के आना बाहर भाई, जीत के आना, हमारे यूट्यूबर का नाम और बढ़ाना। आज हमने सबने मिलकर 1 मिलियन का ट्रेंड किया है यूट्यूब, अरे सॉरी ट्विटर पे, तो बहुत मजा है, और ऐसे ही सपोर्ट हम हमेशा करते रहेंगे तब तक आप फाइनल में ट्रॉफी लेकर नहीं आते भाई। तो आप खेलते रहिए आराम से, हम बाहर बैठे पांडा गैंग आपको संभालने के लिए भाई, फुल सपोर्ट है। तो आपको फुल सपोर्ट है, प्राइम सन जी जीत के आना। देखो दोस्तों, हर जगह मतलब बारिश एकदम हो रही है, एकदम कड़ाके की, जैसे सर्दी के मौसम में ठंडी एकदम कड़ाके की पड़ती है, इस बारिश के मौसम में बारिश एकदम कड़ाके की पड़ रही है। गुजरात में सब कड़ाके नहीं पड़ रहा है, और हम लोग राजस्थान में थे तभी ऐसा नहीं होता था, बारिश बहुत कम है, लेकिन अब जब हम गुजरात में हैं तो भाई सब बहुत माहौल गर्म रहता है, एकदम जो भी सीज़न हो सब एकदम सुपर रहता है, और बारिश के मौसम में भी बारिश बहुत है, और ठंडी के मौसम में ठंडी भी बहुत है भाई, तो यहाँ पे फुल ऑन मज़ा कर रहे हैं अभी दोस्तों। मुझे भी राजस्थान घूमने जाना है भाई, मैं लेके जाऊँगा भाई आपको, और हम नेक्स्ट टाइम जब भी राजस्थान जाएंगे तो आप मेरे साथ चलना, और मैं पूरा राजस्थान घुमाने वाला हूँ, आपको सब दिखाने वाला हूँ, चल चल चल, तो जो देखने के लायक है चीज़ें, तो नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे हम लोग, आपको भी लेके चलेंगे दोस्तों, और वहाँ पे मज़े करेंगे दोस्तों, आपको जरूर दिखाएंगे, और हम जाएंगे राजस्थान तो ब्लॉग बनाएंगे बहुत सारे, तो एंजॉय करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों सामने देखो,
बहुत तेजी से एकदम हवा चल रही है, एकदम एकदम जोरदार हवा चल रही है। ऐसा लग रहा था बीच में कि वो पेड़ गिरने वाला, लेकिन नहीं गिरा और गिरना भी नहीं चाहिए, मतलब नुकसान हो जाएगा बहुत सारा वहाँ पे और किसी के ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कवर में खड़े हैं। हम भी इधर पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं ब्लॉग हम कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं, देखते रहना आप। बारिश इतनी हो रही है लेकिन घर भी नहीं जा पा रहे, घर नजदीक में इधर ही लेकिन जा नहीं पा रहे, इतनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों हम लोग 5 बजे से यहीं पे हैं और अभी 6:30-7 बजने वाले और अभी घर पे नहीं गए हम लोग और छाता भी नहीं है भाई, और मैं तो बहुत इधर ठंडी ठंडी लग रहा है। तो भाई अभी घर पे जाना है लेकिन कैसे जाएंगे, छाता ही नहीं है भाई और शाम होने आई है भाई, मेरे को लग रहा है यहीं पे सोना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ पतिया वतिया निकालता हूँ भाई, अभी सोना पड़ेगा इधर ये यही पे सो जाएगा लग रहा है, लेकिन मैं तो घर पे कैसे भी करके जाऊंगा क्योंकि नजीक ही घर है और मेरे से ज्यादा इतना नजदीक घर है। नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, बहुत ठंडी लग रही है और बहुत बारिश में भीग गया तो बीमार हो सकता हूँ, ठंड तो बहुत, कॉलेज भी जाना है कल, ठंड तो बहुत लग रही है लेकिन लेकिन अभी किसको बोले क्या करें हम भाई, हमारे पास छाता नहीं, रेनकोट हम इधर आके बैठे थे, अचानक बारिश कोई लेने आ रहा है हमको, छाता भी नहीं है तो बारिश भी अचानक शुरू हो गई तो ठंड भी लग रही है, और मोबाइल में सिम कार्ड भी नहीं है, किसको फोन करें भाई, देखो बारिश तो बहुत तेजी से हो रही है अभी यहाँ पे फिर से। पानी चलते लगा है तो हम तो भीग चुके हैं, मैं तो भीग चुका हूँ पूरा, अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भागना शुरू करूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊँ घर पे और कम भीजूंगा, लेकिन ये भागने वाला नहीं था, यहाँ पे पत्ती मतलब घूम के करने वाला था, देखते अभी ये पत्ती बना के इधर सोता है कि क्या करता है, तो भागने का सोच रहा है, अभी इधर क्या गिराएंगे यही है, ये कैसे उड़ेंगे भाई तुम भी बताओ यार। तो दोस्तों कोई नहीं, बारिश तो इतनी हर बार तेजी हो रही है तो हम घर पे जा ही नहीं पा रहे, कब से इधर ही अटके पड़े हैं, लेकिन जाएंगे जरूर, देखते अभी क्या होता है, ये तो भागने का सोच रहा है, देखते भागते कि नहीं भागते हैं, क्योंकि घर तो जाना पड़ेगा क्योंकि भीग चुका, तो अभी ठंड बहुत लग रही है और बारिश तो तेजी हो रही जा रही है, बंद होने का नाम नहीं है, टाइम भी बहुत हो रहा है दोस्तों, सच में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलो, शाम के 6 बजने वाले हैं, 6:30 तो बजने होंगे भाई, तो अभी सोचता हूँ अभी चला जाऊँ वरना बहुत भीग जाऊँगा और यहीं पे भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, ये भागने का सोच रहा है। देखो दोस्तों टाटा सी यू और अगले ब्लॉग में मिलेंगे भाई, और जाना पड़ेगा, ये तो भाग चला करके। तो दोस्तों मैं अकेला रह गया हूं तो मैं भी भागता हूं, तो चलो दोस्तों मैं भी भागता हूं यहां से, चलो भागो, और ये रही हमारी एमटी, हम पहुंच चुके हैं घर पे, लोग घर पहुंच चुके हैं, दिख चुकी है पूरा, देखो तो कोई नहीं दोस्तों, ब्लॉग यहीं पे मतलब कैन तो क्या करेंगे, ब्लॉग ज़्यादा कुछ बना नहीं है, जो भी ब्लॉग बना छोटा सा ब्लॉग बना है और ऐसा ही ब्लॉग बना है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो चलो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, इस वीडियो को यहीं एंड करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय श्री राम।